के कर्जों पर जो सूद है उसकी अदायगी के लिए, तो ये तो बड़ी मुश्किल सिचुएशन हो जाएगी। कर्जों पर कर्ज लें, फिर कर्जों को उतारने के लिए कर्ज लें, फिर सूद की अदायगी के लिए बजट में इतना बड़ा हिस्सा, क्राइसिस है इस पेंडेमिक में। जाहिर है पूरी दुनिया निमट रही है। अब हमारे पास जो एक मौसी चैलेंज है वो जरा मुख्तलिफ इस लिहाज से है कि जून में बजट आने वाला है और इतलात है कि पहले हफ्ते में बजट आ रहा है। लेकिन IMF के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि IMF ये दबाव डाल रहा है कि अगले माली साल के लिए 5,100 अरब की टैक्स वसूलियां IMF चाहता है, और फिर यह भी मुतालबा है IMF का कि बजट खसारा GDP का 0.4% मुकर्रर किया जाए, और फिर इस बजट में सूद और कर्जों की अदायगी के लिए 2700 अरब रुपए मुख्तस किए जाए। डॉक्टर साहब, अगर 5,100 अरब रुपए का आपने टैक्स हदफ हासिल करना है तो फिर उसके लिए 800 अरब के नए टैक्सेस भी आपको लगाने पड़ेंगे इसको अचीव करने के लिए, इस टारगेट को। कितना मुश्किल चैलेंज है डॉक्टर साहब। आपको पता है मौजूदा हालात में ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी इतनी पिसकर रह गई है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो ऐसे में क्या लोग इन नए टैक्सेस का बोझ बर्दाश्त कर सकेंगे? यहाँ पर मैं सिर्फ ये कहूंगा, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों से इस तरह के कामों में आप जब जाएंगे IMF में तो ये चीजें आपके साथ होंगी। आप बिल्कुल बाख्तियार नहीं है पॉलिसी बनाने में। जितनी वो लिवरेज दे दें वो उतना ही आप कर सकते हैं। कितने शर्म की बात है कि 200 मिलियन से ज्यादा वाला मुल्क, आबादी वाला मुल्क, एक न्यूक्लियर पावर आज अपनी मौशी पॉलिसी नहीं बना सकता। उसको बताया जाता है कि आपने क्या क्या करना है, हम सिर्फ उनकी बातों पे इंप्लीमेंट करते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे होंगे सब चीजों से। जब मैं यही बात मैंने शुरू में कहा तो मैं अकेला खड़ा था। आप तरह के जितने चैनल थे कोई मेरे पीछे नहीं खड़े थे। और मैं इसी दिन के लिए, क्योंकि मैं जानता था कि क्या होगा पाकिस्तानियों के साथ में, और मैं कह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुदा के वास्ते इस रास्ते पर न चले। तो अब क्या है, अब हम IMF में जितना वो हमें लीवरेज देंगे हम रोएंगे गाएंगे। 51,000 वो अगर 5,100 बिलियन की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे जी नहीं, हम 47 कर लेंगे, 48 कर लेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पिछले माली साल में हुआ था कि वी स्टार्टेड विद 5,503 बिलियन, उसके बाद फिर हुआ कि चलो 2,203 बिलियन कर देते हैं। उसके बाद और डे वन से मैं कह रहा हूं कि 4,400 अरब अगर FDR इकट्ठा कर ले तो मैं सबों को सलाम करूंगा जाके। लेकिन फिर आ गया कोरोना, मार्च से लेकर और जून के महीने में जो रेवेन्यू लॉसेस हैं रिलीफ दिया जा रहा है, दूसरी तरफ मजीद बोझ डाला जा रहा है। मतलब एक तरफ से निकालो दूसरी तरफ से उलझा दो, तो ऐसे में जो रिलीफ भी दिया जा रहा है इसका कोई फायदा होगा? फिर देखिए अभी हुए नहीं है, अभी हमने अप्लाई किया, अभी बहुत सारी चीजें बहुत तक इसमें रास्ते में अभी है कि एक्चुअली इसमें हमें कितना बेनिफिट होगा। ठीक है ना, हमने गलत जगह पे हिट किया है, गलत जगह पे। हमने G20 से बायलैटरल डेट से हमने रिलीफ मांगी है। पाकिस्तान का जो इश्यू है वो बायलैटरल डेट नहीं है, ये सिर्फ हमारे टोटल डेट एंड लायबिलिटीज का सिर्फ और सिर्फ 22% है। जो 55% से ज्यादा है वो है मल्टीलैटरल डेट। हमने किसी ने एक लफ्ज नहीं बोला मल्टीलैटरल डेट पे। अगर प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे ये बातें अगर करनी थी तो ऐसे लेवल इस चीज की बात करनी होती कि जिससे कोई पाकिस्तान को ज्यादा बेनिफिट हासिल होता। हम कर्जों के हवाले से तो ऑलरेडी इतने ज्यादा ओवर बर्डन है, आप भी जानते हैं। अब हफीज शेख साहब कह रहे हैं कि हमें मजीद कर्जे चाहिए, वो मजीद कर्ज लेने की बात कर रहे हैं। पहले कर्ज हम उतार नहीं पाए हैं, पहले कर्जों को फ्रीज करने के लिए हम दरखास्तें डाल रहे हैं। जो बात अभी हम ये कर रहे हैं कि मजीद अगर हम कर्ज लेते हैं तो अगले सालों में कितने सालों तक हमें ये कर्ज उतारने पड़ेंगे, कितनी मुश्किल हो जाएगी। तो फिर तो हम ये कहेंगे कि पता नहीं कितने सालों तक हमें हर बजट में जो एक मखसूस हिस्सा जो है वो मुख्तस करना पड़ेगा कि कर्जों पर जो सूद है उसकी अदायगी के लिए। तो ये तो बड़ी मुश्किल सिचुएशन हो जाएगी। कर्जों पर कर्ज लें, फिर कर्जों को उतारने के लिए कर्ज लें, फिर सूद की अदायगी के लिए बजट में इतना बड़ा हिस्सा मुख्तस करना होता है। देखिए IMF का प्रोग्राम है ही है इसी पर्पस के लिए कि आपको डेट ट्रैप में इतने डीप लेके आपको पहुंचा दिया जाए कि आप अगर जो कर्जा आप पे ड्यू है इसकी पेमेंट के लिए आपने फिर कर्जा लेना है। तो एक कर्जा लेकर आप जो कर्जा ड्यू हो रहा है उसको वापस करना है। तो हाँ। इसको कहते हैं कि हम डेट ट्रैप में। IMF के प्रोग्राम ने इस डेट ट्रैप को और मजबूत कर दिया है। आप कहेंगे वो कैसे,
हमने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था 6% से उठाकर हम ले गए 13.5% पे और वहां बहुत अरसे तक रखा, हमें बताया गया कि इससे तो हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे वो ग्राफ जो है चैनल्स में दे दिए हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ जुलाई से लेकर जुलाई 1918 से लेकर और सितंबर 2019 के नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, तो 50 अरब का हमने इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ गया। अभी प्राइम मिनिस्टर जब बातें करते हैं कि देखिए हमारे पास तो रेवेन्यू इतना कम है कि हम तो इंटरेस्ट पेमेंट के बाद कोई उत्तर नहीं है, तो मैं प्राइम मिनिस्टर से कहता हूँ सर किस चीज को बचाने के लिए आपको इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट पे आया, क्या ये मजीद काम हो सकता है, मजीद ये पीछे जा सकता है, ये नंबर्स पीछे जा सकते हैं? ऑफ कोर्स। अच्छा, ये जून में, जून तक ये इन्फ्लेशन जो है इस मुल्क में तकरीबन जून जुलाई की बात कर रहा हूँ, ये आ जाएगा कोई 6% के करीब। हमारा डिस्काउंट रेट स्टेट बैंक वो भी 6% पे आ जाएगा। अच्छा, अगर दुनिया की शरह नमूल की बात की जाए तो इस पेंडेमिक के बाद ये कहा जा रहा है कि ये जीरो नेगेटिव पर जाएगी, जो कि कोरोना से पहले, इस पेंडेमिक से पहले ही शरह नमू 3.5-4% मतवक्के थी, जो कि बिल्कुल नॉर्मल था। अब कहा जा रहा है कि नेगेटिव में जाएगी। मैं डॉक्टर हफीज पाशा साहब को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि मैंने कुछ रिसर्च किया, वो बताते हैं कि हमारी शरह नमू जो 2.5% थी इस पेंडेमिक के बाद ये मनफी होकर 6-7% नेगेटिव पर आ जाएगी। मतलब ये कि 1200 अरब रुपए की कौमी पैदावार में कमी हो जाएगी, ये पेंडेमिक के बाद की सूरत हाल बता रहे हैं। आप भी जानते हैं हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कैंसिल हैं, हमारी फैक्ट्रीज 2 महीना बंद रही, यहां पर प्रोडक्शन हमारी हो नहीं सकी, तो ये जितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, ये जो इतना नुकसान है, ये किस तरह और कितने अरसे में ये सब रिकवरी हो सकती है? मैडम जुलाई से लेकर फरवरी तक तो हम नॉर्मल हालात में थे ना। हाँ, हाँ, हाँ। ये तो मार्च 23 से, ये 20 मार्च से बाद में ये सारे जो है लॉकडाउन लोग जो शुरू हुए हैं, ये 20 मार्च के बाद की पैदावार है ना। तो ये 20 मार्च से आगे यानी कि 3 हफ्ते 20 मार्च के भी हो जाते हैं, तो हाँ। आपके पास अप्रैल या जून, यही 3 महीने है ना। हाँ, अप्रैल के महीने अगर मैं रेमिटेंस में देखूं तो 1% की कमी आई है, कोई कमी खास तो कमी नहीं आई है। ये अप्रैल का महीना वो महीना है जहां से मिडिल ईस्ट में लॉकडाउन था बिल्कुल, हाँ। वो कहां भेज के उनको पाबंदी हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद रेमिटेंस है उसमें बहुत मामूली सी कमी है, यानी 1.8 बिलियन आया है जबकि पिछले साल इसी मुद्दे 1.9 आया था, तो क्या क्या मत टूट गई इसमें। देखिए बात यह है कि आप ग्रोथ रेट की बात कर रहे थे, हफीज पाशा साहब ने जो कहा है मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करूंगा, लेकिन मैं गवर्नमेंट में ये एक चीज देख रहा हूं कि IMF ने चूंकि कह दिया है कि ये नेगेटिव 1.5% होगा, तो पूरी हुकूमत पाकिस्तान इस कोशिश में है, जद्दोजहद में है कि हमें वो इसका मतलब है कि जानबूझकर नंबर्स नेगेटिव करने की कोशिश की जा रही है, नंबर्स का खेल है ये। जी जी, ये जानबूझकर।